लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी रैली और इतनी व्यवस्थाएं, ऐसी कोई रैली नहीं होगी। एक इतिहास जम्मू की जनता रचेगी, जिस प्रकार जम्मू की जनता के लिए मोदी साहब ने विकास कार्य किए हैं, जम्मू की जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार किया है। हमेशा से ही मोदी जी का लगाव जम्मू कश्मीर की जनता के साथ रहा है और ये दिखाता है कि बार बार प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर में आना और विकास कार्यों को शुरू करना, ये बहुत ही हम सब के लिए एक वरदान के समान है। मैं एक बार फिर सभी जम्मू डिवीजन, जम्मू संभाग की जनता से निवेदन करता हूं कि 3 फरवरी रविवार के दिन विजयपुर के एम्स ग्राउंड में बढ़ चढ़कर भाग लें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करें जो उन्होंने हमारे लिए एक विकास कार्यों की बौछार लाई। प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे और आज भी इस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक जो आरएसपुरा से चुने गए थे प्रोफेसर घारूराम जी, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का उन्होंने निर्णय किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर लोगों का शामिल होने का क्रम जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता हों, देश के सैनिक हों, जम्मू में हों, कश्मीर में हों, लद्दाख में हों, हर व्यक्ति की इच्छा है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, क्योंकि सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम व्यक्ति, हर व्यक्ति के विकास की चिंता करती है, हर व्यक्ति, हर समाज के हर वर्ग का जिसको फिक्र है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश और समाज के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश और समाज के प्रति काम करना, ऐसी लगन लेके असंख्य नौजवान, बुजुर्ग, वरिष्ठ सहयोगी साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज हम प्रोफेसर घारूराम जी, जो आरएसपुरा से पूर्व एक्स एमएलए रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामेंगे। मैं एक बार निवेदन करता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी कविंद्र गुप्ता साहब और अजातशत्रु साहब जिला अध्यक्ष जी के एक बार पटका डाल के फूल मालाओं से स्वागत करके प्रोफेसर घारूराम जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। आपको हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम है। पूरा होने को ना हम कहीं नहीं जाएंगे। अब ये कुछ बोलेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे सहयोगी इनके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल जी किसे करेंगे, चलिए हम लोग प्रोफेसर घारूराम जी मीडिया के बंधुओं से कुछ बातचीत करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी का और हमारे सारे पुराने साथी यहाँ और माननीय साहब का, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, हमारे माननीय अजातशत्रु जी और सभी मेरे पुराने साथी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं हूँ, ये मेरी घर वापसी।
मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा हूँ आरसपुरा से, और मैंने देखा है ईस्ट आर बेस्ट, होम इज द बेस्ट। साज बदलते हैं, राग बदलते हैं, घर वही रहता है, मेहमान बदलते हैं। तो मैं जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीन को यहाँ आ रहे हैं, एक बहुत महान रैली का यहाँ आयोजन किया गया है। मैं सभी अपने साथियों से ये अपील करूँगा कि उस रैली में बढ़ चढ़ कर हम भाग लें, उस रैली को कामयाब करें। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसको बड़े ध्यान से देखें और समझें। सर, मैं आरसपुरा की जनता का, लोगों का, खासकर मेरे जो जिला प्रधान ब्रजेश्वर जी हमारे और इनकी सारी टीम, मंडल प्रधान अशोक चौधरी जी, नथाराम जी और इनके सभी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी सर ये भारतीय जनता पार्टी से प्यार करने वाले मेरे जो साथी हैं यहाँ आए हैं। आज थोड़ा बारिश का मौसम था, इसलिए नहीं तो एक यहाँ भी महान प्रोग्राम हो जाता। तो फिर भी मैं, जो मेरे साथ लोग आए हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए, और सर ये पक्की और कट्टर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर आपको आरसपुरा में फिर से एक, ये सभी भारतीय जनता पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, और एक आपको नई लहर जो आरसपुरा में देखने को मिलेगी, और एक बहुत बड़ा हम विशाल प्रोग्राम आरसपुरा में कराएंगे, और हम सभी आपको वहाँ बुलाएंगे और आरसपुरा की जनता के रूबरू हम आपको कराएंगे। मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं फिर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद हरियाणा जी, हरियाणा जी, हरियाणा जी, चलिए। और जो सहयोगी साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल जनरल आज मुबारक है, चलिए। और